हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है बीवी बीमार है अंदर है क्या हुआ भाभी वही औरतों वाली बीमारी औरतों वाली बीमारी खर्चा इतना सिगरेट हो... कितने की है दस रुपए की दस रुपए की और जेब में कितनी पड़ी एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है क्या वक्र है ये देख मौत लिखी इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकता है और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच हीरोगिरी ये पीने में नहीं है ये देने में Thank you. YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहू ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइज़ इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यू एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर अ फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वोन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और खास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइस इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज़ डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन, रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाई हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइज़ इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है तू भी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन world record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories likewise the film would be added to the limca book of record 2003 for the, for the greatest number of awards won by bollywood film as director and producer राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहू ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 फिर बीइंग फिर फॉर बीइंग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाईल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज़ इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of award won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सिमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यू एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जेन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइस इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन, स्क्रीन प्ले बाय रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर अ फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वोन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सिमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हज़ार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 फिर बीइंग अ फॉर बीइंग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड Won a total of 92 awards received in the numerous uh, ceremonies and categories. Likewise, the film would be added to the Limka Book of Record 2003 for the, for the greatest number of awards won by Bollywood Film. As director and producer, Rakesh Roshan collected his first ever Filmfare Award while his son became the only actor ever ever. टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूजिक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है To be introduced in the Gen, genuine world record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 award received in the numerous uh, ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of award won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन, रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 फिर बीइंग अ फॉर बीइंग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड Won a total of 92 awards received in the numerous uh, ceremonies and categories. Likewise, the film would be added to the Limka Book of Record 2003 for the, for the greatest number of awards won by Bollywood Film. As director and producer, Rakesh Roshan collected his first ever Filmfare Award while his son became the only actor ever ever. to win both the Filmfare Award Actor and the Filmfare Award for Best Debut for the same film. सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूजिक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यू एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है To be introduced in the Gen, genuine world record 2002 being a for being a feature film with the most award won a total of 92 award received in the numerous uh, ceremony and categories likewise the film would be added to the limca book of record 2003 for the for the greatest number of award won by bollywood film as director and producer राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यू एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जेन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस ceremony and categories. Likewise the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood Film as director and producer Rakesh Roshan collected his first ever Filmfare Award while his son became the only actor ever ever to win both the Filmfare Award actor and the filmfare award for best debut. फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज़ इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीशा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड दो हज़ार दो फिर अ फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वोन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सिमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हज़ार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हजार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस Ceremony and categories. Likewise, the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film. As director and producer, Rakesh Roshan collected his first ever Filmfare Award while his son became the only actor ever ever to win both the Filmfare Award, actor and the Filmfare Award for Best Debut. फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज़ डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जेन World record 2002 for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous uh, ceremony and categories. Likewise, the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हजार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ 92 टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और खास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है तू भी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी तो कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जेन्युन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 फॉर बीइंग अ फॉर बीइंग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वो अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीशा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूजिक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है To be introduced in the Gen, Genuine World Record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous uh, ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of award won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यू एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड दो हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वोन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाईल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर to win both the Filmfare Award Actor and the Filmfare Award for Best Debut for the same film. Okay guys इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी इरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूजिक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी 2000 रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यू एस मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है To be introduced in the genuine world record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 award received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of award won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सिमेनाटोग्राफी तो कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस 11 ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हजार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस Ceremony and categories. Likewise, the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film. As director and producer, Rakesh Roshan collected his first ever Filmfare Award, while his son became the only actor ever ever to win both the Filmfare Award, actor and the Filmfare Award for Best Debut. फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज़ डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to the Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 फिर बीइंग अ फॉर बीइंग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ 92 टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाई हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइस इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहू ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन दैन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड दो हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस्ड बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्म कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limka Book of Record 2003 for the for the greatest number of award won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और खास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सिमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 फिर बीइंग फिर फॉर बीइंग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वॉन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइस इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज़ डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड दो हज़ार दो फिर अ फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वोन अ टोटल ऑफ नाइंटी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दो हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइंटी करोस यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाईल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज़ इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट 14 जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है तू भी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन World record 2002 for being a feature film with the most award won a total of 92 awards received in the numerous ceremony and categories. Likewise, the film would be added to be Limca Book of Record 2003 for the for the greatest number of awards won by Bollywood film as director and producer. राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है 'कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोड़ यूएस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर बींग फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू बी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वोन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइस इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटन बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाय राकेश रोशन प्रोड्यूस बाय राकेश रोशन स्टारिंग ऋतिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल दाहिलेटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाय संजय वर्मा म्यूजिक बाय राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी कार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी 2000 रनिंग टाइम 180 मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट 12 करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड 90 करोड़ यूएस 11 मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जैन world record 2002 fear being a for being a feature film with the most award won a total of 92 award received in the numerous ceremony and categories likewise the film would be added to the limca book of record 2003 for the for the greatest number of award won by bollywood film as director and producer राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्म फेयर अवार्ड वाइल हिज तो सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फ़िल्म फेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके गाइज इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है जो कि 2000 में आई हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन और इस फिल्म से ही उन्होंने अपने बेटे ऋतिक रोशन का डेब्यू किया एंड एक्ट्रेस इसमें थी अमीषा पटेल आइए कुछ और ख़ास देखते हैं मूवी में डायरेक्टेड बाई राकेश रोशन रिटर्न बाई राकेश रोशन स्क्रीन प्ले बाई रवि कपूर हनी ईरानी स्टोरी बाई राकेश रोशन प्रोड्यूस बाई राकेश रोशन स्टारिंग रितिक रोशन अमीषा पटेल अनुपम खेर दिलीप ताहिल सेमेनाटोग्राफी कबीर लाल एडिटेड बाई संजय वर्मा म्यूज़िक बाई राजेश रोशन प्रोडक्शन कंपनी फिल्मकार्ट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई यसराज फिल्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया रिलीज डेट चौदह जनवरी दो हजार रनिंग टाइम एक सौ अस्सी मिनट्स कंट्री इंडिया लैंग्वेज हिंदी बजट बारह करोड़ बॉक्स ऑफिस एस्टिमेटेड नाइन्टी करोस यू एस ग्यारह मिलियन आइए कुछ और देखते हैं मूवी में कहो ना प्यार है टू बी इंट्रोड्यूस इन द जेन जेन वर्ल्ड रिकॉर्ड 2002 हज़ार दो फिर फॉर बींग अ फीचर फिल्म विद द मोस्ट अवार्ड वन अ टोटल ऑफ नाइन्टी टू अवार्ड रिसीव इन द न्यूमरस सेरेमनी एंड कैटेगरीज लाइक वाइज द फिल्म वुड बी एडिड टू वी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 हज़ार तीन फॉर द फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अवार्ड वॉन बाई बॉलीवुड फिल्म एज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राकेश रोशन कलेक्टेड हिज फर्स्ट एवर फिल्मफेयर अवार्ड वाइल हिज सन बिकम द ओनली एक्टर एवर एवर टू विन बॉथ द फिल्मफेयर अवार्ड एक्टर एंड द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर द सेम फिल्म ओके okay गाइज़ इस वीडियो के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद